पहला जब है दसा युवा संगठन और कोई नहीं कर रहा है, पटना युवा संगठन दिखा गया है। तो दिन का मतलब जनमुन के हर तीन के पहले खुला तो बंदे सबको जो बता दे दिया जाता है। मैंने देखा है वो समय बहुत सारी बातें भी सुनी कि पटना ऐसे है वैसे है, लेकिन आज एक और गुरु से मैं देख रहा हूं कि पटना जिस गोदाम पर है युवा संगठन पूरे बिहार में और कहीं हमें 2009 में युवा संगठन के लाभ मिला। तो पहले हमने यही सोचा कि पहले संगठन तैयार करें, तो बारा जी हमारे अंदर देते हैं, बारा जी के हमें संगठन तैयार हो गया और अच्छा संगठन है, सभी लोग काम कर रहे हैं। हमारे शैलेश दुबे जी, हमारे डॉक्टर अजय जी, नागमणि जी और श्याम किशोर जी, ये सब उपजोड़ के हमारे प्रभारी हैं और युवा संगठन अच्छा चल रहा है। हमारे मुजफ्फरपुर में थोड़ी खींचतान होती है युवा संगठन में, युवा संगठन और बुजुर्ग लोग इसमें थोड़ी खींचती हो, तो हम तो फिर चुप हो गए। जब जनसभा का समय है तो हमने आपको नीचे उतार दिए, चलने दिए, फिर हम लोग उठा के आ रहे हैं एक नया चीज निकाला हम लोग, युग निर्माण क्रांति दल का निर्माण हम लोगों ने अपने जिले में किया है। युग निर्माण क्रांति दल इसमें युवा और बुजुर्ग सभी मिलकर एक साथ हमारे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी स्वास्थ्य शिविर शुरू किया है, स्वास्थ्य शिविर में हम लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि हमारी जो टीम है पांचवे की सब लोग हमारे डॉक्टर ही हैं, हमारे संदीप जी, श्याम जी और सारे लोग डॉक्टर लोग हैं, तो हमने सोचे कि अपनी रुचि के हिसाब से आज तक स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने देखा कि आज तक जाति प्रभाव बांटने वाला हो गया है, जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो यही किए तो बाद में चंदा 2000 चंदा 2000 चंदा 2000, तो हमने सोचा गुरुदेव ने कहा गया तो ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण बन। तो हमने सोचे कि तू ब्राह्मण बनने की कोशिश करे, ब्राह्मण का मतलब समाज को देना लेना, तुम्हारे कल्चर कार्यक्रम जो है वो मेरे वाला है, हम लोग एक पैसा नहीं मिलते हैं, एक हम लोगों ने जनरेटर खरीदा है, प्रोजेक्टर लिया है, अपनी गाड़ी है, उस गाड़ी में सारा सामान हम लोग डाल देते हैं, संडे के संडे कार्यक्रम चलाते हैं, सारा सामान एक प्रखंड में जाते हैं और प्रखंड में जाकर 10 बजे तक पहुंच जाते हैं, 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है जहां प्रभाग के लोग आते हैं और उन जो जनरल पब्लिक उसमें होता है, वैक्सीन करवा तो कम होते हैं, ज्यादा कार्यकर्ता होते हैं, जनरल पब्लिक होती है, उसको हम लोग स्वास्थ्य के बारे में बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बढ़ाते हैं, कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, क्यों स्वस्थ हुए, जो मुद्दे में वानर भी लिखा है उसके बारे में बढ़ाते हैं, बताने वाला प्राणी हीलिंग, प्राणी हीलिंग के बारे में बताया जाता है, कैसे मंत्र के द्वारा कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं ये बताते हैं, और बताने के बाद फिर चिकित्सा शुरू करते हैं, होम्योपैथिक चिकित्सा प्रेशर प्राणी हुए इसकी शुरुआत करते हैं और 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। पेशेंट बहुत होते हैं तो 250-300 पेशेंट आ जाते हैं, तो शाम के रात के 8 बजे तक वो चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग 5 बजे खत्म कर देते हैं, 5 बजे खत्म करने के बाद हम मेडिसिन भी देते हैं, सारा चीज करते हैं और उन्होंने न्यूज देता हूँ ऐसी दवाइयाँ जो आप किसी भी दुकान से खरीद कर खा सकते हैं। अभी अभी हमारे शहर में एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति, उन्होंने 7,000 की दवाइयां होम्योपैथी इसमें डोनेट किया है, वो मेडिसिन हम लेके जाते हैं, उस मेडिसिन को भी लेते हैं साथ में। इसमें क्या है कि एक कंपनी से हमने बात किया, वैक्सीन कंपनी से, वैक्सीन कंपनी ने कहा कि मैं 50% ऑफ पेशेंट को दवा दूंगा, 50% मिशन की तरफ से और 50% पेशेंट का, जो मेडिसिन लगातार खाना चाहता है पेशेंट बहुत दिन होता जैसा हम लोग देकर चले हैं, लेकिन दोबारा कैसे खाएगा, तो वो दूसरे डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़े, उसके लिए उन्होंने किया है 50% और 50% मिशन का और 50% पेशेंट का। तो वो इस हिसाब से उसके बाद सामने हम लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्टर के द्वारा हम लोग दिखाते हैं नशा से कैसे बचाता है, जो इसने बनाया है राजस्थान में बनाया है एक चुटकी जहर, उस नए चुटकी जहर को उसके बारे में प्रज्ञा नाटिका दिखाते हैं और उसका एक चुटकी जहर दिखाते हैं, वो 8-8.30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है और चलने के बाद फिर हम लोग अपना गोरिया वस्त्र बांध कर घर पहुंच जाते हैं और हर संडे को ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हम कहीं युवाओं को कहना चाहेंगे, अपने दोस्तों को कहना चाहेंगे, सब
Thank you.